हाय गाइस, वेलकम बैक। ईयर 2006 में इंडिया का सबसे हॉरिफिक क्राइम सामने आया था, जिसका नाम था द निठारी केस। आई एम श्योर आपने इस केस के बारे में सुना है, लेकिन कल 13 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है सेक्टर 36। दिस फिल्म इज बेस्ड अपॉन दिस निठारी केस और इस फिल्म को रिव्यू करूंगी। इस फिल्म ने भाई साहब, कल रात को मैंने इसको देखा और मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे नींद नहीं आई है रात में। ये इतनी स्पाइन चिलिंग कहानी थी और इतनी जबरदस्त मूवी बनी है। इस मूवी को रिव्यू करूंगी, साथ साथ में इस केस के बारे में बात करेंगे और इस मूवी के की हाइलाइट्स क्या हैं, आपको क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए, इस सब कुछ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो को। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। भाई साहब, मानना पड़ेगा मेकर द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म सेक्टर 36, भाई बहुत जिगरा चाहिए एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिसका टॉपिक इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। सेंसिटिव इज वन वर्ड, डिस्टर्बिंग था। साल 2006 में नोएडा के सेक्टर 31 कोठी D5 से, जो मुनिंदर सिंह पंधेर का घर था, उनकी कोठी थी, वहां से छोटे छोटे बच्चों की किलिंग्स, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज का बहुत बड़ा केस सामने आया था। इस केस का नाम था निठारी कांड। ये निठारी कांड न्यूज चैनल्स पर वायरल हुआ था और करीब करीब 25 से 30 बच्चों की बॉडीज, स्केलेटन्स घर के पीछे वाले नाले से अलग अलग पार्ट्स में कटे हुए मिले थे, अलग अलग स्केलेटन्स बच्चों के मिले थे। इट वॉज द मोस्ट हॉरिफिक क्राइम। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपके सुन के होश उड़ रहे होंगे। आप सोचो, जब ये फिल्म बनाई गई होगी, मेकर्स का, एक्टर्स का जिगरा है जिन्होंने इस तरीके का काम किया। भाई साहब, जैसे ही फिल्म स्टार्ट होती है, एक मिनट के लिए भी बोर नहीं करती, एक मिनट के लिए भी टॉपिक से इधर से उधर नहीं होती है। एंड इट स्टार्ट्स विद अ वेरी वेरी इंटेंस सीन स्टारिंग विक्रांत मासी। अब भाई, इस बंदे के बारे में बात करूंगी यार, 12th फेल एक था उनका स्पेक्ट्रम। वहीं दूसरी तरफ अगर बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर को दिखाना है जो साइकोटिक किलर था, उसको दिखाना है जो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, वो इस तरीके से काटता है, इस तरीके से चॉप करता है जैसे कि मतलब गाजर मूली कोई काट रहा हो, इस तरीके से दिखाया गया है फिल्म में। इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट मैन इट इज अ वर्क ऑफ हार्ड वर्क एंड आर्ट। भाई जिगर चाहिए, कह रही हूँ ना, जिगर चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ, सिर्फ बताने में आपको वो छोड़ रहे होंगे, आप देखोगे ना, आप सच में आपकी रूह कांप जाएगी देख के। वो केस पूरा दिखाया गया है कि कैसे सुरेंद्र कोहली, जो कि नौकर था पंधेर का, जो सर्वेंट था मुनिंदर पंधेर का, जो सर्वेंट था, वो किस तरीके से नॉर्मली अपनी बीवी से बात कर रहा है, बात करते करते वो ये क्राइम करता है, फोन रख देता है, बड़े आराम से क्राइम करता है, बहुत आराम से, बिल्कुल किसी को भनक ना पड़े, इतना शरीफ दिखने की कोशिश करता है, इतना नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है, बट इतना कुछ हो रहा होता है। भाई फिल्म का मैं अगर आपको ब्रेक डाउन करके चार पांच चीजें बताती हूँ अभी, सबसे पहले लेकिन बोलूंगी, बात करूंगी एक्टर्स के बारे में। कास्टिंग मैन, कास्टिंग विक्रांत मासे, दैट कैरेक्टर, वो आपके दिलो दिमाग से नहीं जाएगा बहुत दिनों तक। वो जो कैरेक्टर उसने, प्रेम का कैरेक्टर, थोड़ा फिक्शन भी ऐड किया हुआ है, प्रेम का कैरेक्टर जो प्ले किया है, दैट इज हॉरिबल, हॉरिबल। आपका मन करेगा आप इस आदमी को गोलियों से भून दो, ऐसा ऐसा एक्ट विक्रांत मासे ने किया है। मतलब हैट्स ऑफ, ही इज अ जेम, ही इज अ जेम ऑफ एन एक्टर। एक बार को आपको लगेगा नहीं कि एक्टिंग चल रही है। एक सीन आता है इस फिल्म में, मैं स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ लेकिन छोटी सी बात बता रही हूँ, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सीन आता है कन्फेशन का। भाई 15 से 20 मिनट का वो कन्फेशन है, तुम उस कन्फेशन को देखते रह जाओगे, तुम इधर से उधर नजर नहीं हिला सकते हो, इतना इंटेंस सीन है। वो कन्फेशन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बात कर रहा है, मगर उसकी भाषा, उसकी कस लैंग्वेज बहुत है, फाउल लैंग्वेज बहुत है, उसका डिमीनर बिल्कुल जैसे कोई साइको आदमी होता है, साइको बिल्कुल ऐसा है। तो विक्रांत मासी ने भाई, ही हैज नेल्ड इट। दूसरी तरफ है दीपक डोबरियाल। भाई साहब, इस बंदे के तो मैं इस बंदे की भी दाद देती हूँ, कहाँ कॉमेडी से उठ के आए थे और कहाँ एक इंस्पेक्टर का रोल जो उन्होंने प्ले किया है। भाई तुमको लगेगा कि यार ये बंदा, मतलब इसके अंदर कितना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है उस कन्फेशन में, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि इसका ओहदा नहीं है अभी, इसका वो स्टेटस नहीं है, और बार बार उसी के कैरेक्टर के ऊपर ही गाज गिरती है। द पॉलिटिक्स इन द यू नो पुलिस डिपार्टमेंट, एक पुलिस डिपार्टमेंट की पॉलिटिक्स क्या होती है भाई, वो इतनी बारीकी से दिखाई गई है, मजा आ जाएगा देख के। तो कास्टिंग ऑल इन ऑल, मुनिंदर पंधेर जो कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत पुराने एक्टर हैं, उन्होंने प्ले किया है, भाई तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उसके चांटे मारो, उठ के चांटे मारो, इतना रियल कैरेक्टर लग रहा है वो। एक एक कैरेक्टर बात कर रही हूँ, एक एक कैरेक्टर ऐसा है कि आपको लगेगा आप सामने बैठे हुए हो और वो क्राइम्स होते हुए देख रहे हो, ठीक है। सो एक तो ये है। दूसरी चीज जो बहुत इंपैक्टफुल है, बीजीएम। भाई साहब, मूवी का बीजीएम इतना हॉन्टिंग है ना, मैं जैसे कह रही हूँ, आप फिल्म खत्म हो जाएगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, अगर आपके घर में अपने बच्चे हैं आपको नींद नहीं आएगी, मतलब ऐसा डर लगेगा कि उफ भाई यार, मतलब भगवान बचाए इन चीज़ों से, ऐसा हॉन्टिंग बीजीएम है।
सिनेमाटोग्राफी, इट इज गोइंग टू हॉन्ट यू द सिनेमाटोग्राफी. बहुत समय के बाद बता रही हूँ, एक ऐसी फिल्म देखी है मैंने आफ्टर राक्षसन. राक्षसन वॉज अ तमिल मूवी, क्राइम था वो भी. उसके बाद मैंने अब ऐसी फिल्म देखी जिसके जिसको देख के मुझे नींद नहीं आई थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द डायरेक्शन, भाई आदित्य निम्बलकर, मैंने आई एम सॉरी इससे पहले आपको मैं जानती नहीं थी, आपका क्या क्राफ्ट है यार. एक एक सीन को जो दर्शाया गया है, जो फिल्माया गया है, आपको लगेगा कि आप वहीं बैठे हुए हो, सच में 2006 में बैठे हुए हो और ये सब होते हुए देख रहे हो. गॉड फॉरबिड, मतलब गॉड फॉरबिड. सो इट्स अ वेरी इंटेंस, वेरी हॉरिफिक, बहुत ज़्यादा झक छोड़ने वाली मूवी है, मगर इसको ज़रूर देखना, ज़रूर देखना फॉर दी एक्टर्स, फॉर द डायरेक्टर, फॉर द वर्क दे हैव डन. एंड सच्चाई क्या थी एक्चुअली, सच में इस केस में क्या हुआ था. सुरेंद्र कोहली जो नौकर था, प्रेम का कैरेक्टर जो प्ले किया गया, वो क्या वही सिर्फ गिल्टी था, या फिर मोनिंदर सिंह पंधेर जो कैरेक्टर है वो भी, जिसको कि बस्सी दिखाया गया इस फिल्म में, बलबीर बस्सी का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली इसके पीछे है. मतलब आप, और एंड भाई, एंड तो देख के तुम्हारा, लास्ट का एक सीन आएगा तो देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि भाई यार ये क्या हो गया, यार ये क्या हो गया. सो ऑल इन ऑल मैं तो स्टार्स भी नहीं दे सकती भाई इस फिल्म को, ये बहुत कुछ डिजर्व करती है, ऑडियंस डिजर्व करती है. और इस फिल्म को ना थिएटर्स में तो खैर नहीं रिलीज हो सकती थी, इसमें बहुत कुछ कस लैंग्वेजेस बहुत है. कन्फेशन में जिस तरीके से प्रेम का कैरेक्टर बात करता है, वो बहुत कस लैंग्वेज यूज़ करता है, मतलब बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज यूज़ करता है हिंदी की, और कैसे गुत्थी सुलझती है वो चीज़ दिखाई गई है. अब अगर मैं इस केस के बारे में बात करूँ, बहुत सीरियस हो जाएगा, केस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी. केस में सच में ये हुआ था कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ था, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था डेड बॉडीज़ के साथ. यू कैन नॉट इवन इमेजिन, वी कैन नॉट इवन इमेजिन. और एक कई सीन्स ऐसे आते हैं जो ये सब दिखाया नहीं गया है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है, या फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग रहा है, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं लोगों के जो मेन अक्यूज हैं उनके, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से आपको लगेगा भाई यार क्या जानवर इंसान थे यार, क्या जानवर लोग थे यार ये लोग जिन्होंने किया सच में ऐसा छोटे छोटे बच्चों के साथ. सो ऑल इन ऑल दिस इज अ मस्ट वॉच, मस्ट वॉच. अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स देखनी अच्छी लगती हैं, सेंसिटिव होके देखना, ये होके देखना कि यार ये सच में हुआ था, ये सच में हुआ था. ओके, एंड दिल झकझोड़ने वाली कहानी है. अब मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बारे में बात करूंगी. इस फिल्म को लेकर ना समोसा क्रिटिक्स ने, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमिक एंगल आ गया, समोसा क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई है फिल्म, उनको लगा बड़ी प्रिडिक्टेबल है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल कहानी है, बड़े आराम से केस सुलझ जाता है और बड़े आराम से सब कुछ हो जाता है. भाई कौन से, कहाँ देखिए फिल्म, कौन सी सेक्टर 36 देख करके आ रही है मुझे जरा ये बता दो, क्योंकि इसने बोला है कि भाई बहुत बेकार पिक्चर है. और मेरे कहने पर आप, मैं पहली बार ऐसा कुछ कह रही हूँ, रिव्यू दे रही हूँ जिसमें मैं आपको कह रही हूँ कि ये फिल्म ज़रूर देखना, मेरे कहने पर देखना, ज़रूर देखना, और उसके बाद बताना मुझे कि क्या ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है. बट डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, लेट मी टेल यू, डोंट वॉच इट विद फैमिली. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर स्पाउस, उसके साथ आप देख सकते हो. डोंट वॉच इट विद द चिल्ड्रन इन होम, डोंट वॉच इट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप नहीं देख पाओगे. सो सेंसिटिव चीज़ें दिखाई गई हैं बहुत, इट्स नॉट फॉर द वीक हार्टेड, बट यू शुड वॉच इट, यू शुड वॉच इट. ओके, सो भाई मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी उस जोन से निकली नहीं हूँ. मैंने आधी रात को फिल्म देखी थी, मतलब रात को फिल्म देखी थी, और ऐसा लग रहा था मुझे कि अब सारे खिड़कियां दरवाजे सब बंद है ना, मतलब सब कुछ सेफ है, सिक्योर है, हम अपने घर में, ऐसा लगता है आपको, लिटरली वो ऐसा फील कराती है. सो लेट मी नो, अगर आपने मूवी देखी है तो मुझे बताना, लेट मी नो कि आपका क्या रिएक्शन है. बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट ऑल्सो फैंक शेयर.